बस छोटी सी एक्सीडेंट है, जस्ट हाथ में थोड़ा सा लगा है। अरे शर्मा जी, ऐसे छोटे मोटे जख्म हमें कुछ नहीं करते, इससे बड़ी बड़ी जख्म खाए हमने, वो भी अपने ही दोस्तों से। अरे शर्मा जी, आप टेंशन मत लीजिए, दुबई का ट्रिप किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी। और शर्मा जी, पाटिल से मेरा मीटिंग फिक्स कराइए, मुझे ये डील किसी भी हालत में चाहिए। राखी, सॉरी मैम, मैम, हाँ बोलो मैम। पाटिल के साथ आपका मीटिंग फिक्स हो गया कल शाम 4 बजे। अच्छा, तो शर्मा ने मीटिंग फिक्स करवा ही दी। अच्छा ठीक है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे लिए कॉफी लेके आओ। मैम कॉफी। हाँ रखो। कोमलिका, मुझे लग रहा है कि मेरा एक ब्लूटूथ टेरेस पे ही छूट गया है, जाकर लेकर आओ। ओके मैम। ये राखी ना मुझे बहुत सताती है, इधर तो कुछ है ही नहीं। मैम मैंने टेरेस्ट पे आपको ब्लूटूथ ढूंढा, कहीं पे नहीं मिली। आंखें है या बटन, ध्यान से ढूंढो, वही कहीं होगी। ओके मैम। अब तो गले से ले लगा। ये ना मुझे सता रही है, इधर तो कुछ है ही नहीं। कहां से ढूंढू मैं अब उसका ब्लूटूथ, कहां से ढूंढू? हे भगवान। चल कोमो, अब फिर से डांट खा ले। जाने क्यों भूले मैं। मैम मैंने सब जगह अच्छे से ढूंढ लिया, मैम कहीं नहीं मिली। ओ हाँ, ब्लूटूथ मेरी जेब में ही थी। कुछ बोला क्या तुमने? फिर से कुछ बोला क्या? नो मैम, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, रिजल्ट का ध्यान रखना। ओके मैम। बात ये सुन ले वो खुदा। यार मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो परसों छुट्टी चाहिए। ये राखी देगी भी या नहीं, मुझे तो इसी चीज का डर लग रहा है। छोड़, आज तो नहीं हुआ, मैं कल इससे बात कर लूंगी। थैंक्स शर्मा जी, आपकी वजह से ही ये डील मुझे मिल पाया है। अरे पार्टी की टेंशन मत करिए, जल्द से जल्द पार्टी मिल जाएगी। ओके, अब मैं रखती हूँ। मैम और आपकी घाव कैसी है? None of your business. तुम मेरी सेक्रेटरी हो, कोई दोस्त नहीं हो, जो काम है वो करो। क्या हुआ, जल्दी चलो। कैसे बोलूं मैं राखी को, मुझे छुट्टी चाहिए। 4 बजे मेरी मीटिंग है और ये कोमो ने मुझे अभी तक बताया ही नहीं। कोमो! जी मैम। 4 बजे मेरी मीटिंग है, 2 बज रहे हैं, कब बताओगी मुझे? सॉरी मैम, मैं भूल गई थी, आप टेंशन मत लीजिए, मीटिंग का सारा इंतजाम हो जाएगा। भूल गई क्या, क्या मतलब? तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैंने तुम्हें जॉब पे इसीलिए रखा है ताकि तुम मेरी हर बात का ध्यान रखो। मैम वो कोई नहीं, तुम भूल गई हो ना, मुझे याद दिलाना बखूबी आता है। आज की तुम्हारी आधी सैलरी काट। प्लीज मैम मेरे पैसे मत काटिए। ओहो, मैं भी भूल कैसे गई कि तुम्हें तो पैसों से सबसे ज्यादा प्यार है ना। मेरा वो मतलब नहीं था मैम, और वो बात को बीते हुए बहुत साल हो गए, अब तक भूले नहीं वो बात। हाँ बहुत साल तो हो गए, लेकिन वो बात मैं अब तक नहीं भूली, अपने दोस्त ने ही जो इतने जख्म दिए थे। ये राखी अब तक नहीं आ रही है, भूख भी लग रहा है, नेल पेंट भी खराब हो जाएगा। कोमली, राखी कब से वेट कर रही थी मैं तेरा, अब बैठ और टिफिन खोल, भूख लगा है मुझे। क्यों, तू अपना टिफिन खोल नहीं सकती? देख, मैंने नेल पेंट लगाया और पता है कितने की है? 500 की है। और जल्दी जल्दी टिफिन खोल, मुझे भूख लगा है। तूने टिफिन लाया है? नहीं, मैंने टिफिन नहीं लाया। अच्छा छोड़, ये तो तेरा रोज का ही है। अपना मुझको क्या लाइए? मैगी कहेगा तू ही तेरे बिना। भी खा ले ना। नहीं नहीं पहले तू खा ले, उसके बाद मैं खा लूंगी। बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ। कोमो तू ट्यूशन जाएगी आज? नहीं यार मुझे नहीं जाना। कोमो एग्जाम आने वाला है ना,
तू जा यार, मैं नहीं जाऊंगी। और राखी तुझे एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानेगी ना? हाँ बोल। तू ऐसे कॉलेज में चप्पल पहन के क्यों आ जाती यार? ढंग के कपड़े पहन के आया करना। तुझे तो पता ही ना हमारे घर की हालत को। एक्सक्यूज मी, हाय, माय नेम इज मिमी, आई एम अ न्यू स्टूडेंट और मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। कोई बात नहीं, जब मैं कॉलेज फर्स्ट डे आई थी ना तो मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं था। एंड आई एम कुमो। नाइस नेम। चलो अब मैं तुम्हें पूरी कॉलेज दिखा देती हूँ। राखी तू तो घर जाने वाली थी ना, तू घर चले जा, मैं बाद में आ जाऊंगी। चलो मिमी। तो मिमी फर्स्ट डे कॉलेज तुम्हारा कैसे गया? अच्छा, पर मैंने पूरे कॉलेज तो दिखा ही नहीं ठीक से। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूँ। कुमो तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा के छोटे मोटे बिजनेस है। और तेरे? ओ, मेरे पापा के चार ज्वेलरी शॉप है गोल्ड का। किसी नहीं। मतलब ये मिमी अमीर है, मुझे इससे ही दोस्ती करनी पड़ेगी। वैसे भी ये तो अब पैसों का जमाना है। सब जगह को मुंह ढूंढ लिया, ये दिख ही नहीं रही है। अरे कुमु यहाँ बैठी है मिमी के साथ। कुमु ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड जैसी है, बट मैं नहीं मानती, वो मानती है। कुमु तू यहाँ बैठी है, मैंने तुझे पूरा कॉलेज ढूंढ लिया। मैंने तुझे बोला है क्या ढूंढने के लिए? कुमु ये कैसी बात कर रही है? तू ना राखी छोटी छोटी बातों को सीरियस ले लेती है। चल मिमी अब क्लास चलते। कोमोलिका ने मुझे एक बार भी क्लास के लिए नहीं पूछा। तू चूर उठा तो कौन हंसेगा? वो लड़की थी ना तेरी दोस्त, वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? अरे वो, उसका नाम राखी है, वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, बेचारी बहुत गरीब है, इसलिए मैं उसे थोड़ी मोड़ी बात कर लेती हूँ। अब चल क्लास के लिए लेट हो रहा है। अब कौन कहेगा तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। कोमो, मुझे पता नहीं था कोमो कि तू मेरी दोस्त नहीं है और मैं पागल तुझे अपना सच्चा दोस्त समझ बैठी। देख राखी, वो तेरी गलती है, तूने मुझे अपना दोस्त समझा, बट मैं तो सिर्फ तुझसे बात करती थी और तूने अपना औकात देखा भी है। मुझे नहीं पता था कोमो कि दोस्ती में औकात देखी जाती है, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने हैसियत वालों से ही दोस्ती रखती। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरी हैसियत क्या है। अच्छा ही हुआ तुझे अपनी हैसियत पता चल गई, तेरे जैसे दोस्त ना मुझे यू मिल जाएंगे यू, और यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है पैसा। मुझे पता नहीं था कि पैसों से दोस्ती भी खरीदी जा सकती है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ सब बिकते हैं, एक दिन सब खरीद लूंगी। और हाँ कोमो, एक दिन मैं तुझे भी खरीद लूंगी। मुझे पता नहीं था पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, अब मेरा एक ही मकसद है पैसा, इतना पैसा कमाना है कि सबको खरीद पाऊं। मुझे माफ कर दे राखी, मैंने अनजाने में तुम्हारा मन बहुत दुखाया है। हाँ बहुत मन दुखाया है तूने मेरा, अब मेरा मन मन नहीं पत्थर बन गया है। गलती तो मैंने की थी ना राखी, तो तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? गलती तो मेरी भी थी ना, मैंने भी तो तुझे अपना सच्चा दोस्त माना था ना। और हाँ, तुम्हारे माँ को कल हॉस्पिटल लेके चले जाना, मैंने अपने डॉक्टर से बात कर ली है। तुम्हें कैसे पता चला राखी मेरी माँ बीमार है? तुझसे दोस्ती टूटी है, तेरी माँ से नहीं, आंटी का फोन आया था मुझे। सॉरी राखी। कल से तेरी 7 दिन की छुट्टी, मैनेजर से मिलके पैसे लेकर जाना। तुझसे मैं भले कितनी भी नफरत करने की कोशिश कर लूं कोमो, पर
नहीं कर पाती। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। थैंक यू।